आज हम एक ऐसे पवित्र कुंवारी का पर्व मनाते हैं जो अपने जीवन में अत्याचार और पीड़ा सहने के बावजूद अपने जीवन को पवित्र और निर्मल बनाए रखा। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज संपूर्ण कलीसिया संत आगाथा का पर्व मनाती है। संत आगाथा का जन्म 231 ईस्वी में इटली देश में हुआ था। वे एक राजघराने में से थी और बचपन से ही आगाथा ने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया था। वह एक कुंवारी बनकर अपना संपूर्ण जीवन प्रभु येसु के कार्यों को करने के लिए बिताना चाहती थी। क्विंटानियस नामक एक व्यक्ति आगाथा से शादी करना चाहता था, लेकिन जब उसे पता चला कि आगाथा अविवाहित जीवन बिताना चाहती है, तो उसने आगाथा पर शारीरिक अत्याचार करना शुरू किया। उनके स्तनों को काट दिया गया और उन पर लोहे के वार किए गए, जिससे आगाथा के शरीर पर अनेक घाव हुए। उन्हें जेल में बंदी बनाया गया और ना तो उन्हें भोजन दिया गया और ना कोई चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई गई, पर ईश्वर की असीम कृपा और दया उन पर हमेशा बनी रही। ऐसा कहा जाता है कि संत पीतर स्वयं आगाथा के स्वप्न में आते हैं और उनके शारीरिक घाव को छूकर उसे चंगाई प्रदान करते हैं और संत आगाथा को सांत्वना देते हैं। क्विंटानियस के सामने दूसरी बार लाए जाने पर संत आगाथा अपने विश्वास में दृढ़ बनी रही और तब क्विंटानियस उसे जलाकर मारने की कोशिश करता है, पर वह नाकामयाब हो जाता है। 5 फरवरी 251 में अपने शारीरिक पीड़ा और अत्याचार सहते हुए संत आगाथा ने अपनी आखिरी सांस ली। संत आगाथा जब अपनी अंतिम सांसें ले रही थी, तब उन्होंने कहा, मेरे ईश्वर, आपने मुझे हमेशा बचाया है, आपने मुझे इस दुनिया में चुना है, प्रेम किया है और पीड़ा सहने का धीरज दिया है, अब मेरी आत्मा स्वीकार लीजिए। संत आगाथा बहुत सारी महिलाओं के लिए एक आदर्श है। तो आइए, ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम भी संत आगाथा की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें कि जब हमारे जीवन में कोई पीड़ा आए तो हम उसे धीरज और साहस के साथ सहन करते हुए प्रभु ईश्वर की महिमा गाएं। Thank you.